नमस्कार, रणोत्सव के ऑफिशियल हैंडल द्वारा रणोत्सव ट्रैवल गाइड की सीरीज में आपका स्वागत है। अगले 30 सेकंड में हम बताएंगे कि इस सीरीज को शुरू करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है और इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हमने जब रणोत्सव शब्द को YouTube पर सर्च किया तब हमें बहुत सारे ट्रैवल गाइड मिले। हमें लगा कि जब पूरी जानकारी की बात आती है तब रणोत्सव का ऑफिशियल हैंडल ही विश्वसनीय स्रोत बन जाता है और इसीलिए हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो रणोत्सव ट्रैवल गाइड पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीजों पर। पहला, रणोत्सव क्या है। दूसरा, कब होता है रणोत्सव। तीसरा, कहाँ होता है। रणोत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। कच्छ क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी के मौजूदा पीएम और गुजरात के पूर्व सीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गुजरात पर्यटन द्वारा इस उत्सव की नींव 2006 में शरद उत्सव के नाम से रखी गई थी। उसके बाद कुछ सालों में इस उत्सव की अवधि को 2-3 दिन से बढ़ाकर 3 महीने का कर दिया गया और तब से ये भव्य उत्सव रणोत्सव के नाम से देश विदेश में मशहूर होने लगा। हर साल रणोत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा नवंबर के अंत से अगले साल के फरवरी तक आयोजित किया जाता है। यह गुजरात राज्य में खासकर के कच्छ की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देते हुए स्थानीय कारीगरों, कलाकारों, संगीतकारों और लोक कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन के लिए एक विश्वस्तरीय मंच देता है। हर साल लगभग 3 महीने से भी ज्यादा चलने वाले इस रणोत्सव में विश्व भर से कई लोग आते हैं। लगभग 7,505 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है कच्छ का अद्भुत सफेद रण। उससे कुछ ही किलोमीटर पहले पड़ता है एक सुंदर गांव जिसका नाम है धोरडो। भुज से करीब 84 किलोमीटर दूर रणोत्सव इसी गांव में ही मनाया जाता है। हाल ही में धोरडो को UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 के खिताब से भी नवाजा गया है। और इसके साथ रणोत्सव ट्रैवल गाइड पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इन 3 विषयों को लेकर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी DM द्वारा हमें सवाल पूछ सकते हैं जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इन विषयों पर। तब तक अपने लाइफ में खुशियों के रंग भरते रहिए और रन के रंग के साथ जुड़े रहिए। जय जय गरवी गुजरात, जय हिंद।